उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में मताधिकार का इस्तेमाल हो रहा है, बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। आपको हम ये बता दें कि सिर्फ यही खबर नहीं है, इसरो 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है, इस पर भी हमारी नजर बहुत बनी हुई है। फिलहाल हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स मौजूद है। सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश, आपके पास आ रही हूँ, बताइए क्या कुछ चल रहा है, क्या क्या मुद्दे? बिल्कुल, देखिए अभी जब आप ब्रेक में थी तो उसी टाइम हम बात कर रहे थे कुछ वोटर्स से, जो मुद्दे बता रहे थे रामपुर शहर के, मुद्दे क्या क्या हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि रामपुर शहर में सड़कें बनी हैं, बिजली आई है, विकास हुआ है, लेकिन कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। जैसा महिलाएँ बता रही थी कि चैन स्नेचर ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा आपराधिक वारदातें होती हैं, छेड़खानी होती है। तो रामपुर शहर की बात करें तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रही है। ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर अपराध के मुकदमे जो है वो चल रहे हैं। पवन, आप क्या जानकारी दे रहे हैं? आप तो सुबह से बता रहे हैं कि लगातार तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, तादाद में लोग तो पहुंच रहे हैं। एक से पहले सवाल था महिलाओं की भागीदारी का, तो आपको बता दें कि बिजनौर सीट से दोनों तरफ जो कड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है, दोनों की ही महिला उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी से रुचि है तो बीजेपी से सुचि है, यानी महिला सशक्तिकरण की बात यहाँ सच है। अब यहाँ के मतदाताओं को देखना है कि कौन सी महिला उनके लिए बेहतर काम कर सकती है। तो यहाँ के लोग तो कम से कम ये शिकायत नहीं कर सकते कि हाँ, महिलाओं को या आधी आबादी को हक नहीं मिला। वहाँ की महिलाएं लगी है, यहाँ पे मामला मुकाबला जो है दो महिलाओं के बीच में है। लेकिन जैसा मैंने बताया, 721 में से सिर्फ 82 कैंडिडेट जो हैं उत्तर प्रदेश के दूसरे फेज में सिर्फ महिलाएं हैं, सिर्फ 82। रामदत्त जी, आप किन मुद्दों पर सच में बहुत गौर से नजर रखने वाले हैं, और वो कौन सी चीजें हैं जिस पर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की किस्मत का इस बार फैसला होगा? देखिए, पिछले कई चुनावों से, विधानसभा चुनावों से, एक जो बहुत बड़ा फर्क ये है कि पहले मुकाबला होता था सपा और बसपा के बीच में, तो उसमें क्या होता था कि अगर सपा से जो लोग नाराज हैं एंटी इनकम्बेंसी बसपा में आ जाते थे, बसपा से नाराज है तो सपा में आ जाते थे। अब ये कई विधानसभा चुनाव बाद ये हो रहा है पहली बार कि जो दो राष्ट्रीय दल हैं वो दोनों प्रासंगिक हो गए हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी का उभार हुआ पिछले लोकसभा चुनाव के बाद, तो बहुत सारे वोटर जो अब असंतुष्ट होते थे वो बीजेपी की तरफ जाए। दूसरा, जो कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके वो भी अब लड़ाई में आ गई है, तो इस बार का मुकाबला पहले से काफ़ी भिन्न है और एक त्रिकोण जो बन रहा है उसमें मुझे लगता है कि कोई भी दल अभी आश्वस्त नहीं है कि उसका क्या होगा। ऑप्शंस जो है इस बार लोगों के पास ज्यादा है, ऑप्शन भी ज्यादा है। और जी जी, ये सही कह रहे हैं आप कि अब वो ऐसा नहीं है कि बाय डिफॉल्ट कोई आ जाएगा कि पावर में, पैटर्न अब बदलने वाला है। ठीक है, मैं ब्रेक लूं उससे पहले संदीप जी, पहाड़ों को लेकर आपको क्या लगता है कि ये जो सूर्योदय है इस बार अलग दिशा से होने वाला है या नहीं, जो पैटर्न चला आ रहा है वैसा ही कुछ? मुझे भी लगता है कि जैसे हर साल उत्तराखंड सरकार बनती, पिछली बार बीजेपी सिर्फ एक सीट से चूक गई थी, इस बार मुझे लगता है कि मैंडेट बीजेपी को मिलना चाहिए। और क्योंकि मोदी, मुझे मतलब जो मैंने विजिट किया, जो मैंने बात हुई, मुझे लगता है कि मोदी जी का जो फैक्टर है वो अभी बरकरार है, इतना ज़्यादा डेंट उसमें नहीं हुआ है। तो अब वो देखना होगा कि वे 62 सीट्स पे आगे थे लोकसभा सेगमेंट्स में आगे थे, तो कितना नीचे आ पाते हैं वो देखना पड़ेगा। लेकिन मतलब मेरा मानना है कि जो अभी एज मुझे लगता है कि बीजेपी को है, और देखते हैं क्या होता है। करप्शन डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि बिजर इश्यूज है, उसको लेके लोग जो हैं वो इन इश्यूज को लेकर लगातार वोट कर रहे हैं। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि ये आपका मैंडेट है, आप डिसाइड करेंगे, आप जाएंगे, आप जो वोट करेंगे उसी के हिसाब से आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने वाले हैं। जाइए बाहर, निकलिए, वोट दीजिए, और #2statespoll पर आप हमें सेल्फी के साथ अपनी फोटो ट्वीट कर लीजिए।